हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दो जो आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी सीवी। तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये टिंट कैसे बनानी है। बिलीव करिए फ्रेंड्स, ये टिंट बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद इसको यूज किया हुआ है। मार्केट वाली टिंट से भी ज़्यादा अच्छी है ये, आपकी स्किन को बिल्कुल हार्म नहीं करेगी। और हमने इसमें बिल्कुल भी कोई कच्ची सब्जियों वाली चीज़ें यूज नहीं करनी है, ना हमने कच्चा एलोवेरा यूज करना है और ना ही बीटरूट यूज करना है, क्योंकि वो जो हम बनाते हैं वो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पतंजलि का एलोवेरा जेल और हम इसमें हाफ टेबल स्पून डालेंगे, सिर्फ हाफ टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेंगे एंड इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई भी जल्दबाजी ना करें, इसको अच्छी तरह से 2 मिनट तक मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। मैंने ये कंटेनर इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसको इसी में स्टोर करने वाली हूँ, किसी भी बाउल में इसको बना के और स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे लिया है हाफ टी स्पून के आसपास, मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है, रेड फूड कलर मैं यूज कर रही हूँ, लिक्विड वाला आप यूज कर सकते हैं, ये मेरे कलर का ब्रांड है। मेक श्योर आप कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ना यूज करें और इसे बनाते वक्त आप देख लें कि एक्सपायरी होने में कितना टाइम बचा है। तो जी, अब हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एकदम से, ताकि अच्छा सा पेस्ट, एक स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो जाए। और जिनके पास लिक्विड फूड कलर नहीं है, वो पाउडर्ड फूड कलर को भी लिक्विड फॉर्म में ला के ही यूज करें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लें। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप उसको पाउडर फॉर्म को कैसे लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देन अब मैं इसमें यूज करूँगी 4 टेबल स्पून भर के गुलाब जल के, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी हमने। यहाँ पे हम 4 टेबल स्पून भर के गुलाब जल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ गुलाब जल, और इसी गुलाब जल में आप अपना पाउडर मिक्स करके उसको लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गुलाब जल गिर गया जी, तो कोई बात नहीं, अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से मिक्स होगी तभी हम इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। हमारी स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल एक नेचुरल लुक देती है, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपने कोई होममेड बनाया है या कोई अजीब सा कुछ लगा लिया है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल सा पिंक कलर देती है। तो जी, यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मैं यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट अपना ऐड कर रही हूँ, ये है ऑलिव ऑयल। मुझे ऑलिव ऑयल सूट करता है मेरे चेहरे पे, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी ऑयल सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये बस 4 ड्रॉप मैंने यूज किया है। मेरी स्किन नॉर्मल है इसलिए मैंने 4 ड्रॉप यूज़ किया, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप 6 ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। और जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है वो टी ट्री ऑयल यूज करें, और आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, बादाम का ऑयल हो गया, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये बस अपने पसंद की बात है और अपने स्किन की बात। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको ओवरनाइट आप रख दीजिए, और ओवरनाइट के बाद ही इसका आप अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। और इसको ज़्यादा अप्लाई मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करिएगा अपने चिक्स पे या आपको जहाँ भी यूज करना है, लाइक अपने लिप्स पे भी यूज कर सकते हैं आप, चिन्स पे भी यूज कर सकते हैं, पिंक पिंक दिखना है तो आपको बस आपको इसको यूज करना। और ये बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाती हूँ अपने हैंड्स पे। तो ये लग रहा है मुझसे मैंने ज़्यादा डाल दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे मिक्स करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, हमारे बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाता है। मेरे हैंड्स थोड़े ड्राई थे तो ये टाइम लग रहा था ऑब्जॉर्ब होने में, और गलती से यहाँ पे मेरे से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गिर गया था। तो मैं यहाँ पे आपको वाइप करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल कहीं 5 घंटे तक कहीं नहीं जाने वाला आपका कलर, बिल्कुल आपको अच्छा नेचुरल सा लुक। और अगर ज़्यादा लग भी जाती है तो थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा फैड हो ही जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार इसे ट्राई जरूर करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और बेटर रिजल्ट के लिए इसको ओवरनाइट आप स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद ट्राई करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी आपको। और ये देखिए जी, डिफरेंस मेरे दोनों हाथों में। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखें। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।